अब हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, कृपया अपने कर कमलों द्वारा अरुणाचल प्रदेश को समर्पित दूरदर्शन चैनल अरुण प्रभा का शुभारंभ करें। देवी सज्जन, बहुत ही जोरदार तालियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का अरुण प्रभा चैनल। इस पर आप सभी का स्वागत है। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला और दूरदर्शन का 24वां चैनल है। इस नए चैनल की शुरुआत अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा की गई है। इसके साथ ही राज्य के लोगों का एक बहुप्रतीक्षित सपना पूरा हो गया है। ताजा हवा अरुण प्रभा, अरुण प्रभा, अरुण प्रभा, अरुण प्रभा। प्रधानमंत्री आज अरुण प्रभा चैनल की शुरुआत करने के साथ साथ कई अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ कर रहे हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश, जहाँ ऊषा की किरणें देश में सबसे पहले पड़ती हैं, वहाँ की राजधानी तक उड़कर पहुँचने का सपना सच होने जा रहा है। 667 एकड़ पर बनने जा रहे होलंगी के इस ग्रीन फील्ड्स पर शानदार हवाई अड्डा बनाया जाएगा। साथ ही राज्य में तेजू के हवाई अड्डे का भी आधुनिकीकरण किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री देश को समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर अरुणाचल पर एयरपोर्ट आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे और जो हम बाहर जाना चाहेंगे तो भी आसान हो जाएंगे। हर मौसम में बालीपारा से तवांग के दुर्गम रास्ते को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सेला पास पर दो सुरंगों का शिलान्यास करेंगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिक्रोंग पर बनी 110 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को भी प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो अरुणाचल ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी जगमग करेगी। इसके साथ ही सौभाग्य योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के सभी गाँव रोशन हो गए हैं। ये न्यू ईयर मेरा लिए बहुत खास है कि क्योंकि यहाँ पे 31 को लाइट आया ना। इस मौके पर प्रधानमंत्री राज्य के बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण को मजबूत करने के लिए सब स्टेशन की आधारशिला भी रख रहे हैं। राज्य में फिल्म और टेलीविजन उद्योग में प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए पीएम फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत 50 वेलनेस सेंटर्स को भी प्रदेश को समर्पित करेंगे। मेरे बच्चों को तो डेली इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन तो मिलता ही है ना। एनसीडी के लिए भी फैसिलिटीज है, स्क्रीनिंग वगैरह होता है लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में। दूरदर्शन का सफर 60 साल पहले 1959 में शुरू हुआ था। तब से दूरदर्शन लोक प्रसारण के माध्यम से देश की सेवा कर रहा है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा आज शुरू किया गया डीडी अरुण प्रभा अरुणाचल प्रदेश का पहला और दूरदर्शन का 24वां चैनल है। एक बार फिर से हम सभी अरुणाचल वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री को डीडी अरुण प्रभा चैनल शुरू करने के लिए धन्यवाद देते हैं।